टाटा स्टील के झरिया डिवीजन ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के उपलक्ष्य में कार्यस्थल सुरक्षा पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया। अपने सभी कर्मचारियों के प्रयासों को सम्मान देने के प्रयास में टाटा स्टील के झरिया डिवीजन ने व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान जामाडोबा में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया। टिकेश्वर महतो उपनिदेशक खान सुरक्षा महानिदेशालय DGMS सेंट्रल जोन ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मयंक शेखर चीफ जामाडोबा ग्रुप झरिया डिवीजन टाटा स्टील के साथ शिरकत की। टिकेश्वर महतो उपनिदेशक DGMS सेंट्रल जोन ने टाटा स्टील झरिया डिवीजन के सभी कर्मचारियों को मजदूर दिवस के अवसर पर एक सुरक्षित और समृद्ध कल की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के खान सुरक्षा महानिदेशालय DGMS के तत्वाधान में टाटा स्टील सुरक्षा विभाग द्वारा कार्यस्थल सुरक्षा पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके तहत कार्यस्थल शॉप फ्लोर पर मोबाइल फोन के उपयोग पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यस्थल पर तर्कसंगत व्यवहार शिष्टाचार के महत्व पर बल दिया गया। वरुण बनर्जी हेड सेफ्टी झरिया डिवीजन टाटा स्टील ने कार्यशाला के दौरान मजदूर दिवस के इतिहास पर महत्व पर चर्चा की। राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन RCMU डिगवाडी कोलियरी के सचिव नकुल सिंह ने समापन समारोह के दौरान धन्यवाद ज्ञापन किया। दिवस के अवसर पर हम लोग को सरकारी आदेश था कि इसको जो हमारा ये 75वीं वर्षगांठ की जो है आज़ादी की जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है देश में, तो इस उपलक्ष्य में कुछ कार्यक्रम किया जाए जो कि हम अवेयरनेस लोगों को इसमें, जैसे खदानों में काम करने वाले वर्कर हैं तो उनको अवेयर किया जाए कि आप के प्रति आप जो काम कर रहे हैं उसमें क्या सुरक्षा है, क्या डेंजर है खदान में, उसके बारे में उनको जागरूक करना तक। और प्लस किस जगह पर ये कार्यक्रम था? कार्यक्रम आज तो हम कहिए कि पूरे BCCL के हर एक क्षेत्र में, हर एक एरिया में आज कार्यक्रम किया जा रहा है। साथ साथ हम लोग का आज से स्वच्छता पखवाड़ा भी शुरू हुआ है, स्वच्छता हमारा विभाग में आज शुरुआत हुआ है। तो आज हर एक क्षेत्र में BCCL का जितना क्षेत्र है उस सब जगह हमारा ये कार्यक्रम आज चल रहा है, इसलिए हम लोग जितने अधिकारी हैं सब लोग वहाँ पे सब उपस्थित हुए हैं और अपने इस का आज जो मजदूर दिवस है उसको हम लोग सफल बनाने के लिए उसको, है ना, उसको कहिए कि देश के प्रति जो उनका भी है, मजदूरों का भी जो कहिए कि दायित्व है, उसको उजागर करने के लिए आपका जो अधिकार है उसके साथ साथ आपका दायित्व है देश को आगे बढ़ाने में, देश को सशक्त बनाने में, इस प्रति हम लोग जागरूक करने के लिए अब जगह जगह जहां हुआ हम लोगों पर प्रोग्राम किया जा रहा है इसको।